गाइस, कैसे आप सब? मैं रवि, मैं कनिका। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। तो गाइस, कार्तिक ना एक घंटे से मेरे इस पे सो रहा है छाती पे। वो खराटे ले रहा है। पता कैसे सोए है? तुम ना ऊपर गए थे वीडियो बनाने के लिए ना, रील्स का, तो मैंने उसको कंधे पे बैठा रखा था, ठीक है। हाँ, तो ये पहले थोड़ी देर तक 5-10 मिनट ऐसे कर रहा था, रो रहा था, फिर अचानक से चुप हो गया। हाँ, मैंने पकड़ रखा था, फिर उसका हाथ, वो हाथ नहीं, पैर पकड़ रखा था, ठीक है। ये नींद में ऐसे बाल पकड़ के अच्छा ऐसा कर रहा है, सर के ऊपर बैठे बैठे। मैंने शीशे में देखा था कि मेरे को तो सो रहा है भाई, उतारा फिर नीचे, नहीं तो गिर जाता ये, पीछे लग जाता। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं मटन, ठीक है। काफी टाइम बाद मटन की रेसिपी पूरी देखना, पूरी देखना। हाँ, वैसे मैं दिखाऊंगी मटन तो वैसे हमने कभी दिखाया नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता नहीं दिखाया अभी तक, नहीं दिखाया ना अभी तक। तो कैसे बनाती है मिस्टेक वो देखना। मैं वैसे दिखाऊंगी जैसे हमारे घर पे बनता है ना। हाँ, मतलब हम लोग किस तरह से बनाते हैं। हाँ, वो तरीका दिखाएंगे आपको बनाने का। तो अभी तो कार्तिक सो रहा है, मैं बस छौक लगा के फिर कार्तिक को सुला देती हूँ। 12:30 बजे। तो अभी चलते खाना बनाते हैं, आंटी बुला रही है। हाँ, तो आपको जैसे आप देख रहे हो मेरा चिकन बोला, सॉरी चिकन खा रही, चिकन क्या है। तो गाइस, मटन इसमें, मटन कितना सुना। तो गाइस, मटन 1 किलो है। 1 किलो के हिसाब से मैंने, मान लो ये बड़े बड़े प्याज से तो ज्यादा ही है, वैसे भी मैं डालूंगा ना उसको ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्याज लेना, वैसे ज्यादा लगता है प्याज मटन में हमेशा। तो अभी पहले छौंक लगाते हैं, तेल वेल डालते हैं पहले। और जो काफी तेल डलता है गाइस, तेल गर्म कर लेते हैं, गैस तेज कर देते हैं। और तब तक मैं थोड़ा, मैंने डाल दिया तेज पत्ता और सूखी मिर्च और काली मिर्च, ठीक है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे मटन में। और अभी 12:30 बजे गए, हम लोग को कम से कम ये बनाते बनाते तो 1 बज जाएगा, 1-1.5 बज जाएगा। पहले ये काले हो जाएंगे अच्छे से, इसके अंदर हम डालेंगे अब प्याज अपने, जैसे भी हमने काटा था प्याज। अब बहुत कितना सारा प्याज अभी दिखेगा आपको, अभी मैंने मोटा मोटा काटा है ना, क्योंकि मटन को भी गलाना पड़ता है इसके अंदर प्याज को काट के। ये हमारे घर में जैसे बनता है मैं वैसे दिखा रही हूँ, ठीक है। और जो लोग मटन वगैरह नहीं खाते तो वो लोग स्किप कर सकते हो। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन अपने, मटन डालेंगे, तीन चम्मच नमक डाला है मैंने। Two hours later. तो गाइस, इसके अंदर है हल्दी, नमक, नमक मैंने डाल दिया, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला जो घर का बना हुआ है, और धनिया क्या था, और चिकन मसाला, ठीक है, सॉरी मटन मसाला। तो वो सारा एक साथ मैंने रख लिया है। अब इसको पूरा अच्छे से पानी में घोल के तब मैं इसके अंदर डालूंगी जब ये पक जाएगा अच्छे से थोड़ा। इसलिए मैंने आपको मसाले बता दिए कौन कौन से हैं, तो आप वैसे वैसे ही डालना, और अगर एक्स्ट्रा मसाले आप डालते हो तो वो भी डाल सकते हो।
तो अभी तो खाना बन गया, मतलब बाबा का खाना बन गया, उस रूम में बन रहा था। तो अभी आप देख रहे हो गाइस, मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है, ठीक है, मसाले को। और बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि मिस्टर भी थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं। तो अभी इसको हमने डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा हमें इसके अंदर क्योंकि मसाले लगे हुए हैं हमारे। अब इसको अच्छे से हम ऐसे करके घोल के इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा गैस तेज कर देते हैं, इसको चला देंगे। देन अभी मैं डालूंगी मटन मसाला क्योंकि मैंने इसमें डालना भूल गई थी, मैंने गलती से उसमें बोल दिया। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। और ये सूत्रा पीस क्या है, ये ना तेल टाइप का होता है एक, ठीक है, वही है। अभी चलते हैं इसको बनाते हैं। तो अब फाइनली गाइस देखो, मतलब फाइनली नहीं, कम से कम मैं 10 मिनट बाद आके चला रही थी दोबारा, तो मैं देखा इतना अच्छा कलर आया, मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो गाइस कलर बहुत अच्छा है, आप देख लो, और बहुत ही प्यारा कलर आया है ना, कहती है टेस्टी भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये मैंने जैसे हमारे घर में बनाते, मटन बन चुका है। एंड चुप रहो, हाथ नहीं चल रहा मेरा, मटन बन चुका है। ओए होए 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 होए, चुस्त गाइस, इसके अंदर ना ये वाला जो पीस है ना, एक सेकेंड ना, मैं इसको ये इसको बोलते हैं चुस्ता। आपको लोगों पता नहीं क्या बोलते होंगे, नहीं नहीं हम लोगों में चुस्ता ही बोलते हैं। ये और भी लैंग्वेज तुम्हारे में कुछ पता, कुछ तुम्हारे में कैसे बोलते हैं? खाया ही नहीं है। वाह मिस्टी आराम फरमा रही उधर। इसमें क्या, ये पैकेट में सब मसाले वसाले है? चलो फिर खाना दे दो, भूख लगी वैसे भी बहुत तेज, थोड़ा टेस्ट करे कैसा बनाया है मिस्टी ने। तो फाइनली गाइस अब मिस्टी जा रहे हैं खाना खाने, दोपहर के 2 बजे। बगल से बैकग्राउंड म्यूजिक देते हुए कार्तिक, एक कटोरा दे दो। हाँ वो काटे फेंक रहे, तुम खुद तो टेस्ट करके बना रहे हो कैसा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लगे गाइस। देखो देखो ना, क्लोज से दिखा हूं तभी तो मुंह से लग। कैसा लग रहा है सुना, मस्त? कितना दोगे 10 में से? एकदम हॉनेस्टली आंसर, नो। एक नंबर क्यों काट लिया? क्योंकि तीखा बनाया तुमने। मटन तीखा अच्छा नहीं लगता, मटन तीखा ना बनाया तो अच्छा नहीं लगता है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या बोल रहे थे? सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और खाना कैसा बना था वो जरूर बताना। मतलब खाया नहीं लेकिन देख के बताना कैसा लग रहा, टेस्टी था कि नहीं था, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं, कि हाँ अच्छा बना कि नहीं बना, है ना? और वीडियो
अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एक चीज बार और कुछ रेसिपी बता देना आप क्या अगले ब्लॉग में ट्राई करें। तीनों का इंस्टाग्राम का नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है, जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बाय बाय। Let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.